इंसान बहुत नेक दिल इंसान, आप जब भी उनसे बात करना इतनी प्यार से बात करते हैं वो, मतलब आई आया हम दिखाते हैं भैया जी। अबे जा यार काम करने तो यार आ जाते हैं, मुंह ठक कर हटो। नेक दिल तो सुप्रभात दोस्तों, आज का दिन शुरू हो चुका है। तो इस दिन के शुरू होते ही सबसे पहला काम जो कि मेरा ये होता है कि मेजर को बाहर टहलाना, वो अभी हम करके आ रहे हैं, टहला के उसको वापस आ रहे हैं। उसके बाद खुद भी गए थे फ्रेश होने, जो कि आदत बनी हुई है। अब हम ये क्यों बोल रहे ब्लॉग में, खैर। तो आज शूट का डे है, डीएवी कॉलेज में एक शूट है, एक आधा सीन जो है आने वाली वेब सीरीज़ का वो रह गया है, तो उसको पूरा करने के लिए, असल में रह नहीं गया है, वो रिक्रिएट हो रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग को फिर से आज एक बार जाना पड़ेगा। तो अभी टाइम हो रहा है 7:45, तो 12 बजे के बाद शूट है, और अभी मेरे पास कोई काम ऐसा है भी नहीं, तो अभी तो जैसे तैसे हम उठ चुके हैं, इसके बाद हम फिर से नहीं जा रहे हैं, थोड़ी देर लेटेंगे, नींद तो नहीं आएगी लेकिन फिर भी लेट जाएंगे, फिर सो के उठते हैं या नहीं सो के उठते हैं, अगर झकते रहे तो कोई बात ही नहीं, फिर देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि आज का दिन थोड़ा रोमांचक होने वाला है, सब लोग आने वाले हैं, एक हमारे जानने वाले और हैं पुलिस भैया, वो भी आ सकते हैं, देखिए क्या होता है। अभी तो डीएवी पहुंचने के बाद ही पता चलेगा, तब तक के लिए साइनिंग आउट, कुछ नया होता है तो बताते हैं। हाँ देखिए कैसे झंडू बन चुके हैं, पसीना निकल रहा, बाल तितर बितर हो चुके हैं, और हम लोग पहुँच चुके हैं डीएवी। हमारे लग चुके हैं 2 चक्कर, एक चक्कर आए थे हम इनकी एंट्री कराने, और इन हरामजादों ने बताया नहीं कि इन लोग की एंट्री पहले ही हो चुकी है, तो हमको वहीं से दोबारा फ़ोन आ गया, पापा को गाड़ी देने वापस जाना पड़ा, तो हम अपने देवा भाई के साथ वापस गए, फिर इनकी गाड़ी से बैठ के वापस आए। ये हमारे साथ बैठे हैं सलीम मियाँ, उर्फ तो बाद में लगाया जाता है, हर्ष उर्फ सलीम मियाँ, और बाकी टीम धीमे धीमे एकत्रित हो रही है। कबीर उधर खड़े हैं, देवा भाई भी है, डायरेक्टर कहाँ गया, डायरेक्टर नहीं आया है, 2 कैमरामैन हमें स्पॉट हुए हैं, लेट मी शो यू द कैमरामैन। ये देखिए, ये पहला कैमरामैन उर्फ गीत भाई अरोड़ा, और ये अपना भाई क्या नाम, आयुष भाई, सॉरी भाई नाम पूछे, वो देखिए डायरेक्टर साहब आ रहे हैं। हुए बाल बिखरे, दिख 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 दिख। सलाम सुभी भाई। कबीर आप, अरे तुम हटो, तुम्हें कौन खींच रहा है, इधर हटो साइड में। कबीर आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं कह पाएंगे भाई, गर्मी बहुत हो रही है, मुंह भरा हुआ हमारा, गर्मी है बहुत ज्यादा, कहने के आराम नहीं है, हम थूक देंगे, उधर थूकना मेरे ऊपर नहीं। देवा गर्मी है बहुत बेटा, चैनल सब्सक्राइब कर दिया बेटा, गर्मी वेरी गुड बेटा, नो गाली इज अलाउड इन माय व्लॉग्स। कभी दर्शक को बताना चाहते हैं कि भोकाली का रिशूट करने जा रहे हैं, दरअसल डायरेक्टर हमारा थोड़ा सा है, समझ सकते, कह नहीं सकते सामने, तो बोल नहीं पाएंगे, फिर गाली बक दी, बताइए ये फिर से, ये सेंटेंस फिर से कहिए वरना मुझे बीप डालनी पड़ेगी। बीप नहीं डाली, आप उसमें पूरा टूना गया, हमने गाली नहीं बक, बीप न बीप, फिर से बीप पड़ेगी। नंदू भीड़े। दो सीन करने आए थे, दो सीन में हमारे जो कबीर महोदय हैं वो सीन जबकि 3 बार पहले कर चुके हैं लेकिन फिर भी वो भूल जा रहे हैं, 4 लोग अलग हैं, वो अपना सही दे रहे हैं, और कबीर जी जो हैं वो कभी कोई डायलॉग भूलते हैं, कभी कोई डायलॉग भूलते हैं, क्यों आयुष भाई, देखो अगला कैमरा मैन भी धूप में परेशान हो रहा है यार, भाई जी चैनल सब्सक्राइब कर देना तुमको कसम है, बिल्कुल भाई, चलिए भाई ठीक है, देखिए कितना टाइम लगता है, बताते हैं जो होता है फिर।
इंसान बहुत नेक दिल इंसान, आप जब भी उनसे बात करना इतनी प्यार से बात करते हैं वो, मतलब आइए आइए हम दिखाते हैं भैया जी। अब यार काम करने तो यार आ जाते मुंह ठक कर हटो। नेक दिल एंड एक्शन। ये अरे भाई एनी मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। दरअसल मैं पहली बार आया था, इससे पहले मैंने काम किया था, इतना कभी मज़ा नहीं आया काम करके। सुभाष सर ने फिर मुझे ऑफ़र दिया तो मुझे सच में साथ करके काम बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जो हमारी टीम है ना वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है, काफ़ी अच्छे लोग हैं जिनसे मिले तो काफ़ी अच्छा लगा। और उम्मीद है कि इतनी मेहनत हमने करी है तो आगे जब ये सीरीज़ आएगी जो लॉन्च होने वाली तो आपको भी देख के उतना ही मज़ा आने वाला है। तो आप भैया जी के बारे में क्या कहना चाहिए? भैया ये काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं और अपनी भाषा में बोल खुद भी हैं, मतलब हमारे मित्र भी हो गए ना, पहले मित्र नहीं थे। आर्टिस्ट तो अच्छे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इतने घुल मिल गए ना तो बहुत बड़े आदमी हैं। और यहाँ पे जितने भी आदमी सब के सब बहुत बड़े हैं। और एक कुछ लोग हमारी टीम में ऐसे भी जो शांत रह के सारे काम करते हैं, उनका खास पेशा कुछ ऐसा कि कैमरा चलाने का, गीत भाई के नाम से हम लोग उनको जानते हैं। ये है, ये छुपे रहते हैं, इनके काम सारे हो जाते हैं खामोशी के साथ। तो गीत भाई का काम कैसा लगा आपको? गीत भाई का काम सच में बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़े का काम किया उन्होंने। उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया और अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचते यार। तो ना चाहते हुए भी तारीफ तो करनी पड़ेगी, सच में बंदा बहुत ग्रेट है। और एक बंदा ये भी अच्छा काम करता है, साथ में आयुष भाई हमारे साथ में। ये हमारे आयुष भाई, ये भी कैमरा मैन है। क्या किया इन्होंने सीरीज में तो पता नहीं, लेकिन फोटो खींचा इन्होंने हम लोग की। फोटोज आयुष भाई क्या कहना चाहेंगे बस इस सीरीज के बारे में, हमारी टीम के बारे में, हमारे डायरेक्टर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो बोल चुके ऑलरेडी, पहले बोल चुके हैं। पहले बताना चाहिए था सबको, हो चुका क्या? नहीं नहीं आपको, हाँ आप और डायरेक्टर के बारे में आपका क्या राय है? वो सॉरी उनके बारे में, देवा एवा भाई लोग के बारे में, डायरेक्टर भाई बोल चुके ना? देवा भाई भी एक अच्छे एक्टर हैं, एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनके साथ में काम करके बहुत अच्छा लगा। बेचारे को बस एक ही चीज़ की प्रॉब्लम रहती थी कि कैमरे का थोड़ा जो है लाइट कम करो, बाकी लोगों को थोड़ा डल करो, उसकी यही प्रॉब्लम होती थी कलर की, बाकी एक्टर बहुत अच्छा है। लाजवाब। और हर्ष भाई के लिए क्या बोलना चाहिए? अरे वो अपने ही आदमी, उसके लिए क्या बोले। हर्ष भाई ने ये कहना चाहेंगे कि एक्टर के साथ साथ एक रैपर बहुत अच्छे हैं, इस सीरीज़ के लिए उन्होंने एक रैप भी दिया अपनी आवाज़ में, तो वो भी आप सुनिएगा, सुन के बताइएगा आप सबको कैसा लगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त रैप है, कानपुर में ही बना है, तो आपको सुन के मज़ा आएगा। आपका रोल क्या? मेरा रोल आप देखने के बाद देख लीजिएगा, मेरा रोल क्या है पता चल जाएगा, मैं ही दिखूँगा आपको। तो गीत भाई कैसा लग रहा? अरे भाई मीम डाल दीजिए वहाँ जुदी। कितना टाइम लग गया पिक्चर बनाने में? अरे भाई खत्म ही नहीं हो रही। शूटिंग होने के बाद भी शूट करना पड़ रहा है। हमने सुना सीजन 2 की शूटिंग चल रही है। अरे वही कोई नहीं देख पाया। अरे हर्ष भाई वापस आ गए। बस सुभान भाई ने कॉल किया, कहता भाई एक और टेक हमने। अरे बिल्कुल। और आयुष भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। बादलों का लुक तो बहुत है। बस सीजन 2 भी बनना है ना? सीजन 2 भी वो आज ही आज ही आज ही शूटिंग है। अच्छा आज ही शूटिंग। तो कैसा है, मतलब कैसा लग रहा है आपको काम करके? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लगा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और एक साल अपने हम लोग को, हाँ डीओपी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? डीओपी हमारे बहुत बढ़िया है, काफी इन्होंने अच्छा अपना योगदान दिया हुआ है हमारी भोकाली वेब सीरीज में। बस यही है, अब देखिएगा आप लोग। डायरेक्टर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? डायरेक्टर भी बढ़िया है। अरे चलो पूरा आम ही से लोगे क्या? नहीं सबका आएगा ना, थोड़ी तारीफ कर दी यार। हमारे भी डायलॉग लिखवा दो थोड़े। बोलिए बोलिए, डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा उनके साथ काम करके, मतलब कैसे बंदे हैं, मतलब उनका काम कैसा लगा? साहब के साथ भी काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इंटरव्यू चल रहा है हम लोग, काफी सीखने को भी मिला और हम लोग ने भी बहुत शॉट्स लिए हुए हैं। और बस
तो शूटिंग तो हो गई है ख़त्म, वहाँ से हम लोग आ गए घर। अब हम लोग आए हैं कृष्णा कुलचा अशोक नगर में, यहाँ के कुलचे बड़े बढ़िया होते हैं, तो हर संडे हमारे यहाँ से कुलचे जाते हैं, अपने हिसाब से बनाए जाते हैं, तो कस्टमाइज्ड कुलचे होते हैं यहाँ के। हमारे साथ हमारे भ्राता श्री हैं जो कि नोएडा से आए। अस्सलाम वालेकुम। इनको आपने पहले वाले व्लॉग में देखा होगा पुराने वाले चैनल में। तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे, वापस जाएंगे घर, फिर आगे शायद आज शाम का कुछ प्लान है कुछ करने का, कुछ अभी पता नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, अभी तो घर पहुंचने के बाद पता चलेगा कि क्या होगा। तब तक के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे इस ब्लॉग में सुबह से लेकर शाम तक। टाटा बाय बाय। तो आए थे बादल के लिए, मेजर के लिए बात करने, बादल का जबान से नाम जाता नहीं है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि खुजली करा करा के उसका इलाज करा के हम हो गए परेशान, और फ़ायदा जस का तस कुछ बढ़ नहीं रहा है आगे, काफ़ी कुछ हताश हो चुके हैं। जितना पैसा खर्चा करा उस हिसाब से दिमाग बिल्कुल बंडल हो चुका है, करें तो करें क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आखिरी तक हार के सरकार ही आए कि चलो भाई यहाँ पे भी हाथ पैर मार के देख लेते हैं, तो वार्तालाप करिए, अस्पताल तो बंद हो गया है, क्लिनिक बंद हो गया है, उनका कल आ जाना देख लेना, देखते हैं अब क्या होता है। उम्मीद तो कर रहे हैं जल्दी से जल्दी सही हो जाए जानवर हमारा भाई। आप लोग अगर जानते हो किसी अच्छे वेटनरी को कानपुर के अंदर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, भाई हंस रहा पीछे देख के, बता देना, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो शाम का जो सीन था वो घूमने वाला वो कैंसिल होके अब ये है कि घर पे ही ले आओ, घर पे ही खाओ। तो अब असल में आए हैं ये अपने राहुल स्वीट्स पे, तो राहुल भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं। राहुल भाई इतना सदमे में क्यों हो, बता तो दो, हाथ हिला दो। सब लोग जानते हैं यहाँ के मशहूर फेमस, पुराना नाम बचोलाल के खस्ते, और अब यहाँ नाम राहुल भाई की दुकान, यहीं आए थे। हालांकि देर हो गई, उम्मीद नहीं थी कि कुछ बचा होगा, लेकिन हमारी किस्मत में था तो हमें मिल गया, तो हमारा पार्सल हो गया पैक। हमारे भ्राता श्री कहाँ गए, चलिए उनको ढूंढते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में घुमटी में। तो आ चुके हैं भैया मसंद फास्ट फूड पे घुमटी में, तो यहाँ चल रही है वेज बिरयानी। एक मिनट, तो आ चुके हैं भैया मसंद फास्ट फूड पे, तो यहाँ चल रही है वेज बिरयानी जो कि थोड़ी सी स्पाइसी है, तो भाई साहब हमारे खा नहीं पाते हैं, इनको मना कर दिया कि हमको भैया हम तो गेम ओवर, मेरा हैप्पी बर्थडे टू यू, अस्सलाम वालेकुम भाई जान हो गया इनका। तो अब जो बयाना है वो हम अपना खा रहे हैं, पसीना इसलिए आप देख रहे हो क्योंकि पंखा एक चल रहा है और थोड़ा स्पाइसी है जो कि है। ये क्या है, अच्छा अच्छा, यहाँ से निकलते हैं खा पी के, बिरयानी की शक्ल दिखाते हैं, शायद आप लोग को पसंद आएगा। तो आज के व्लॉग की समाप्ति होने जा रही है, जो कि अब सब काम निपट चुका है। हम लोग आए थे खाना लेने राजपूत ढाबे पे, आर नगर चौराहे पे, यहाँ से घर लौट रहे हैं। घर लौटने के बाद इस व्लॉग को एडिट करेंगे और आपको एज यूजुअल, जैसा कि आपको पता है कि अगले दिन देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, सत श्री अकाल, शब्बा खैर, शुभरात्रि, फिर मिलते हैं अगले।